बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाह सुभानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदकल्लाहुल अज़ीम। फरमाया कि ऐ ईमान वालों, जब जुमे के लिए आवाज़ दी जाए, निदा दी जाए, यानी अजान दी जाए जुमे की, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। अल्लाह के ज़िक्र से मुराद खुतबा जुमा है। वज़रुल बैअ, और ख़रीदो फरोख्त को तर्क कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो ये सूरह जुमा की आयत है। इस आयत में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जुमा की आदाब बयान फरमाए हैं, अहकाम बयान फरमाए, और इससे अगली आयत में इरशाद फरमाया कि फ़ाइज़ा कुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और जब तुम नमाज जुमा पढ़ चुको, तो फिर ज़मीन में अपने काम काज कारोबार के लिए फैल जाओ। तो ये हुक्म इसलिए दिया, चूँकि पीछे कह दिया गया था कि वज़रुल बैअ, के ख़रीदो फरोख्त को, कारोबार को तर्क कर दो, तो इसलिए अब इस आयत ने वो पाबंदी उठा दी कि वो खुतब अजान जुमा सुनने की जो पाबंदी थी, अब वो नमाज पढ़ने के बाद वो पाबंदी ख़त्म हो गई, अब तुम अपना कारोबार कर सकते। और फरमाया कि अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम कामयाब हो। तो इन आयात में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुछ अहकाम बयान फरमाए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में सामईन ज़ीबकार, मैं आपको जुमातुल मुबारक के वो आठ आमाल बताऊंगा कि जो हर मुसलमान को करने लाजम है। अगर हम वो आठ आमाल करेंगे तो अल्लाह सुबहानहू व तआला इस दिन की बरकत से हमें बेशबहा इस्लामी और रूहानी ख़जाने अता फरमाएं। तो पहला जो हुक्म है ताजदार कायनात सल्लम का, जो पहला हुक्म है, सुन्नत है, और जो पहली बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि जुमा के दिन का गुसल कर। इसमें इख्तलाफ है, कुछ आइमा इसे वाजिब करार देते हैं, कुछ सुन्नत। बहरहाल कुछ भी हो, तो जुमे का गुसल नबी अलैहिस्सलाम से ताकीद के साथ साबित। दूसरी है उम्दा लिबास पहन, कि जो इंसान को मैसर हो। तो बुखारी शरीफ में तो लिखा है कि एक लिबास ऐसा होना चाहिए कि जो आप सिर्फ जुमे वाले दिन पहन करते हैं, उम्दा लिबास पहन। ये दूसरी बात। और तीसरा यह है खुशबू लगाना, यानी जब आप मस्जिद में जाएं तो बहुत बड़ा मजमा होता है, तो आपने खुशबू लगाई होगी तो आपकी वजह से किसी को पसीने वगैरह की बदबू से अजियत नहीं पहुंचे। और चौथी बात यह है कि मस्जिद की तरफ जल्दी चल कर जाना, और जल्दी चल कर जाना उसकी फजीलत आई है, अहादीस में आई है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सबसे पहले चल कर जाता है। तो ऐसे ही है कि जिसने अल्लाह के रस्ते में एक ऊँट पेश किया, जो उसके बाद जाता है, ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रस्ते में गाय पेश की, ऐसे ही है जैसे उसने एक बकरी की कुर्बानी की, और जो उसके बाद जाता है तो ऐसा ही है कि जैसे उसने एक मुर्गी सदका की, और उसके बाद जो आखिर में जाता है वो ऐसा ही है जैसे उसने अल्लाह के रस्ते में एक अंडा सदका किया, खैरात किया। तो गोया अल्लाह जितने जल्दी कोई नमाज जुमा के लिए जाएगा, उतना ही सवाब वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा पाए। और पांचवी चीज़ है सूरह कहफ की तिलावत करना। सूरह कहफ की जुमे के दिन जो सूरह कहफ की फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, तो इस जुमे से लेके अगले जुमे तक उसके लिए एक नूर कायम कर दिया जाता, एक नूर अता कर दिया जाए। और छठी चीज़ है जुमातुल मुबारक के अमाल में से एक बड़ा ही महबूब और उम्मीद अफजा अमल,
कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ने की वैसे तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, हर वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ रिवायात में नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ास कर जुमे का जिक्र फरमाया, अक्सर उस्सलातु अलैया यौमल जुमुआ थे, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पेश किया था, तो जुमे के दिन हुजूर पर दुरूद पेश कर। और सातवीं बात यह है कि मस्जिद में जाना और खामोशी के साथ खुतबा सुनना, खुतबे में कोई हरकत ना करना, कोई बात ना करना, कोई कलाम ना करना, और बड़े हमातन गोश और खामोशी के साथ खुतबा समाप्त करना, ये सातवां और बहुत बड़ा अमल है। और आठवां अमल ये है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जैसा कि अहदीस तैयबात में आता है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है, उस घड़ी में मोमन जो भी दुआ करता है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाते हैं, तो उस घड़ी की तलाश में सारा दिन खुदा सुबहाना व ताला से अपनी हाजत मांगते रहना कि ये हाजत मांग रहा और वो घड़ी आ जाए तो अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा दे। और ये वो आठ बातें हैं कि अल्लाह सुबहाना व ताला अगर हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए तो इससे जुमे वाले दिन हम ढेरों ढेर नेकियाँ और सवाब कमा सकते।